पोखरा के लिए रेडी है, गाड़ी खड़ी है, मॉर्निंग टाइम 7:30 हो चुका है। गाइस कैसा लग रहा है, पोखरा जाने की खुशी है कुछ? बहुत ज्यादा है ना। तो पोखरा चल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं बस पोखरा, यहाँ से हम निकल रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है जस्ट। फाइनली पोखरा जाने के लिए हम निकल चुके हैं और हमारा पैकेज लिया हुआ था पूरा, तो अभी हम होटल से निकले हैं जस्ट, होटल से निकल के ये है पैकेज किया हुआ, गाड़ी आ गई है, निकले हैं अभी हम हमारे होटल से और अब हम जा रहे हैं पोखरा। और हमारी गाड़ी वाड़ी धन्नो आ चुकी है हमारी, अब धन्नो के पास में बैठे हुए हैं और ये व्यू देख लीजिए, ये पोखरे की तरफ है और पोखरा भी एक हिल स्टेशन है, बता रहे हैं कि यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह पोखरा है। तो पोखरा को हम कवर करेंगे, जैसे नेपाल को कवर किया है वैसे पूरा पोखरा कवर करेंगे हम। और आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा प्यार दिखाइए, अगर दर्शक को आपका प्यार बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो हम आपके लिए एक से बढ़ के एक जगह लेके आएंगे, क्योंकि अब रोकी भाई इंडियन ने एक ही ठाणी की, घूमना है और आप लोगों को दिखाना है कि दुनिया क्या है, जैसे मैंने यूट्यूब पे लिखा है कि दुनिया घूमना भाई से हम बताएंगे, ठीक है दर्शकों, जुड़े रहे, और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आएगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बे कौन सा सड़क है? मेन हाईवे पोखरा का, थानकोट मेन हाईवे पोखरा का, यहाँ से हम पोखरा जा रहे हैं और ये गांव बसे हुए हैं आजू बाजू में, जो हाईवे के आजू बाजू में गांव रहते ना, देखिए किस तरह पुराने घर हैं। ये ब्रिटिश काल के घर है क्या सर? हाँ भैया ब्रिटिश काल के घर है क्या ये? हाँ ये सारे अंग्रेजों के टाइम के घर है भैया ने, मैंने पूछा और इन्होंने हाँ भरती है या नहीं है मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, बट इन्होंने हाँ भर रही है, हमारे हाँ में हाँ मिला रहे है, समझ रहे हो? तो दर्शकों आप देख के अनुमान लगाना, कमेंट करना कि है या नहीं है। ये भैया तो खुद मौज मस्ती करने आए हमारे साथ और हाँ में हाँ मिलाते हैं हर बात पे, समझ में आ रहा है? तो ये है चिन्नू भाई, दो बात किसमें बोलोगे कि मैं यहाँ का आगे का व्लॉग लूँ? ठीक है भैया, थैंक यू, आगे का जो भी कुछ मोस्ट पार्ट रहेगा आपको जरूर बताएंगे। कहाँ पे? मुक्तिनाथ कहाँ पे? हिमालय के नजदीक है, पूरा हिमालय के मंदिर है भैया बोल रहे हैं। मुक्तिनाथ अच्छा, वो दोस्त कहता है, जो मेरे दोस्त ने बताया था मुक्तिनाथ जाना चाहिए। भैया हम अभी 10 दिन यही है, सारी चीज देख के जाएंगे और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर पेज पे आ रहे हो नए हो तो लाइक तो कर दिया करो, कम से लाइक नहीं करो तो वो बटन दबा दिया करो ताकि हमें भी वो मिले, समझ रहे हो आप? हम कुछ आपको चीज़ दिखा रहे हैं वो भी तो देखो ना, उतना भी तो मिला हम आपको, हर एक चीज़ दिखा रहे हैं नेपाल की, किस तरह पहाड़ों के ऊपर घर बसे हैं, किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं लोग, टावर भी पहाड़ों के ऊपर है, देख के मतलब किस तरह से एक जो लुक आता है ना प्रकृति का लुक, वो सारा लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा नेपाल में। नेपाल की जो खूबसूरती है वो अलग ही है, अपने आप में एक वो है, अजूबा है दर्शकों। तो हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं और बारीकी से दिखा रहे हैं, बिल्कुल बारीकी। दर्शकों आपकी जो मन्नत थी वो पूरी हो चुकी है, माउंटेन दिख रहा है, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे और दिखेगा ना भैया, देख लीजिए, ये देख लीजिए माउंटेन टॉप में से, क्या नाम है भैया पूरा पहाड़ का? इसका नाम है थानकोट। अच्छा देखिए बहुत शानदार जगह दोस्तों, सर्दी है ना भाई, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सांस लेने में दिक्कत होगी, सर्दी बढ़ेगी, सही है ना? सही बात है। और ये नजारा देखिए भैया कितना प्यारा नजारा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। शानदार व्यू है भैया यहाँ का, कहीं धूप कहीं छाव कहीं तेज कहीं कम, शानदार है एकदम, मजा आ गया, अद्भुत। धन्नो घाटी में बैठे हुए, धन्नो चल रही है और अद्भुत नजारा है। देखिए दोस्तों हम होटल पे रुके हुए हैं, अभी काठमांडू से निकले तो बीच में कोई होटल आया था वहाँ पे रुके हुए हैं, तो भैया वगैरह सब नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा, मुझे नाश्ता नहीं करना था तो मैं बोला थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको। जो यहाँ पे स्पेशल लोग आते हैं ना, वो आते हैं ट्रेकिंग के लिए, मतलब खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, जो बाहर से आते हैं वो इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, 10 दिन नहीं आते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए माउंट एवरेस्ट की जो है वो वाला पहाड़ है, और ये देखिए मकान बने हुए हैं चारों तरफ, और ये होटल है हिमालय प्रेस कॉफ़ी, ठीक है। और ये देखो नेपाल की गाड़ी है, ऐसे कैसे रहते हैं नेपाल की गाड़ी, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो भैया अब बात यही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं यही है नेपाल का अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा जो आपको वीडियो में दिख रहा है। गाइस जब भी हम काठमांडू से निकले थे पोखरा के लिए, आप नदी देख सकते हो, उसकी नदी का नेम है टिप्सली नदी, रास्ते में है, चल रहे हैं अभी रास्ते में 30-35
फाइनली हम रुके थे। एक्चुअली में क्या हुआ, सबका है ना थोड़ा सा बोलते हैं ना बोर्ड मीटिंग वोटिंग उल्टी उल्टी हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए। और ये देखो सेम, देखो यहाँ पे देखो दूटा भाई भी सेम सेम भाई, सेम का कलर देखो। नींबू वींबू लिया है यहाँ से कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस है तो कुछ हो ना ही। ओके भाई इंडियन सेम हम खा रहे हैं। हाँ बताओ थोड़ा बहुत दर्शकों को, बहुत मीठी सेम है। सेम का कलर देखो ना कितना प्यारा है, एकदम बहुत ही प्यारा कलर। और यहाँ पे सेम खा रहे हैं और ये पूरा मार्केट इनका है सब्जी का। और किसका मार्केट है ये, कुछ तो बेचते हैं, वेजिटेबल का पूरा मार्केट है देख सकते हो आप यूट्यूब में। हाँ ये देखो ये भी आ गए हमारे बहन जी, छतरी वतरी लगा रहे हैं। अब हम राजस्थान से आए दीदी, राजस्थान से आए। सेम बड़ा अच्छा लगा आपका मुझे, ये कलर देखो कितना प्यारा है इसका कलर, अच्छा है। यही होती है नहीं, ये कश्मीरी सेम। अभी मार्केट खुले है क्या अभी? हाँ है क्या आपका मार्केट? क्या अच्छा है? है दीदी? हाँ। ये मार्केट कब ओपन होता है? अच्छा अच्छा, ये देखो पूरा मार्केट। ये गांव कौन सा दीदी वैसे? मोलिको। यहाँ पे पूरा वेजिटेबल का मार्केट है देख सकते हो। चिन्नू भाई यहाँ पे भेलपूरी बना रहे हैं, नींबू कटवा ले, नमक वमक लगा लो। और ये पूरा ऐसा है सीन। भैया क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? देख लीजिए पहाड़ों से घिरा हुआ है ये पूरा गांव, वेजिटेबल मार्केट जिसको बोलता है। ये भैया बोल रहे हैं आपके लिए बनाना है क्या? हमारे लिए नहीं बनाना भैया, हम ऑलरेडी तकलीफ में हैं। क्या बातचीत चल रही है? आप भजन भी बेच रहे हो? ये ले खाते हैं, ये अलग है अलग है। ये खाए ना आप, वो यहीं के इंडिया, इंडिया कहाँ से? मतलब आप हो तो नेपाल से ना? तो अरे वो सुनताला बोलो, आपका इंटरव्यू हमारा चैनल दिखाएगा, आप तो बोलना चाहते हो यहाँ पे बोलिए बोलिए। आपका सेम तो बड़ा प्यारा था, थैंक यू। मूंगफली, हल्दी, ढाका, चना, चाट, मछली, झींगा, सारी चीज़ें एक ही दुकान में मिलती है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का जो सामान है वो एक ही दुकान पे मिल रहा है। धन्यवाद। गाइस हम रुके हुए, ये कौन सा गांव है दीदी? हाँ उसके बाद में, उसको बाद में लेती बोलेगा। और उसके बाद महादेव बीछी थाल को तब काठमांडू। वाह वाह बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा लोकेशन का जायजा दिया, हमें समझ में तो कुछ भी नहीं आया, सच बोल रहा हूँ। बट अच्छा बताया है, अच्छा बताया है, हमें समझ में कुछ भी नहीं आया, बट चलो ठीक है। जो भी कैमरे में बोला है ये भी सपोर्टिंग है। दादी कौन सा गाँव है ये? दादी है इंडिया का दादी है, बिहार का दादी, बिहार का दादी, ये हमारे बिहार से ही है दादी है। दादी का नाम क्या है? प्रभावती। इसके दादी जी के जो भी घर वाले देख रहे हैं लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आपको भी बेटा लंबो जब है जो भी सोचने के लिए डब्बा डब आवाज आवाज सब बंद कर कट 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 आगे काट देवे। अच्छा वो तो वो बना दे हैं स्पीड आरो करने बड़ी करते हैं कट्टा बड़ साउंड डाल दे जी। अभी गाइज हम नेपाल के अंदर हैं, आप देख रहे हो हमको 3 दिन हो गए नेपाल के अंदर, आज 3रा दिन है हमारा नेपाल के अंदर। और हमको
बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। स्कॉर्पियो गाड़ी चलती है महिंद्रा की, इंडियन ब्रांड। इंडिया के लिए ये बहुत, इंडिया में ये गाड़ी लेने जाएंगे तो 80 लाख रुपए की आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत है वो गिरा हुआ है थोड़ा पैसा। इंडिया में ये गाड़ी 25 लाख रुपए की पड़ती है, यहाँ पे ये 87 लाख रुपए की पड़ती है। 300% टैक्स लगता है। दीपक भाई बैठे हैं, अब देखो इनसे मैं मजाक करने जा रहा हूँ, गाइस देखना ये कैसे हंसते हैं। देखो कैसे हंस रहे, ये देखो ये इनकी हंसी है तो बहुत ही अच्छे है। कुछ कुछ करते ही हंसी लग जाती है इनको। चारों तरफ पहाड़ है, लक्की भाई सो रहे हैं अभी, इतनी देर मूवी देख ली 1-1.5 घंटे। सामने दिखाओ लक्की भाई को, दिखाते दिखाते सीन देखो, कुदरत का नजारा ओनली वन। भाई क्या बोल रहे हैं लगे भाई, बोलो बाबर। बहुत ही शानदार व्यू, ये भाई साहब बुलबुले से एक विजनो भाई कैमरा पकड़ना, अब ये भाई हंसेंगे ऐसे रखना। अरे बुलबुले इसको सामने लो, इससे भैया है काल पे हाथ रखते तो भी हंसते हैं, बहुत ही सहमत स्वभाव के धनी। अब हर टाइम इनके फाइनली गाइस पोखरा पहुंच चुके हैं और गुनगुना हंसता हुआ। और ये देख लीजिए पोखरा गेट है गाइस, और तो हम देखते हैं मुझसे वह लार चार लोग, कुछ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या नहीं क्या नहीं है। और गाइस खंबे देखिए किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, पूरा रिक्सी मामला है यहाँ पे पोखरा में, देख लीजिए आप ये एक दूसरे से संगम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं संगम करना दोस्तों। वो बाढ़ मत करो बोलियो मत लो, देखो इधर देखो और बोल भाई टोड़ो। इनके घर वालों ने इनको यही सिखाया है ब्लॉक में देखना भैया की कोई भी अगर ब्लॉक बीच में बनाए तो उनके बीच में बोलो। इधर देखो आप सुरेंद्र भाई, इधर देखो देखिए भाई सुरेंद्र भाई देख रहे हैं इधर देख, ये वीडियो में आएगा पक्का है, नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर देना रोकी भाई, इंडियन नाम चेंज कर देना दोस्तों। ये देख लीजिए हाँ इसको इधर करवाओ, इधर करवाओ इसको, इसके मुंह काला करके आया कहीं से, वीडियो में ये सीन देखना ना भूले, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मुंह काला करके आया। सुन चांदी पल्लो शानदार मार्केट है, ये देख लीजिए पोखरा का नाइट में क्या क्या होते हैं भाई। ये गाना गाएगा पोखरा की नाइट लाइफ है, सितारे इसका पहला आया पोखरा का नाइट लाइफ का पहला सीन। हरे कृष्णा गए हुए भाई साहब यहाँ पे पुस्तक वितरण कर रहे हैं भागवत श्री कृष्णा की, ये हरे कृष्णा से, हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या बात है। इसको नजदीक से दिखाएंगे भाई को, देखिए
फाइनली गाना स्टॉप करा रहे हैं गाइस, ये गाना गा रहे हैं, स्टॉप करवा रहे हैं क्योंकि हमारे जाने का टाइम हो गया। तो देखो जब गाना बंद करवा रहे हैं और इनका कुछ बनता है वो देख के इनको जा रहे हैं। बहुत अच्छा गाना था, जब भी आप कभी आओ तो जरूर सुने, ये आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे गा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो को बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाई फाइनल हमने खाना खाया था, यहाँ पे मारवाड़ी रेस्टोरेंट था। तो 5 लोगों के इंडिया के हिसाब से 1500 रुपये लगे हैं। अच्छा खाना था, प्योर वेज था, टेस्ट में भी अच्छा था। और ये पूरा अभी क्या नाम भी मारवाड़ी रेस्टोरेंट था, मारवाड़ी रेस्टोरेंट था यहाँ पे, काफी अच्छा है। चलो चलो पता देख ले वहाँ, हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये पूरा मार्केट ही है और आपको दिखाएंगे पूरा मार्केट क्या है क्या नहीं है। पोखरा का यही नाइट मार्केट है पोखरा का। ये पूरा पोखरा का नाइट मार्केट है, देख सकते हो आप। सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं यहाँ पे। पोखरा का मार्केट है पोखरा। पागल आ रहा दुनिया क्या? अरे क्यों गाड़ी कर ले, सब दिखा दे तो कर चलो। तो अपन गाड़ी करते हैं, पोखरा का मार्केट भी दिखाते हैं। ये डिस्को है, ये डिस्को है, 9 बजे के बाद ठीक है, शानदार है ठीक है। हाँ अंदर जाओ, ये भी अच्छा है, कला भी हाँ। नामी बाद में हमें बढ़िया वाला चाहिए, ऐसा नहीं कोई लपड़ा लपड़ी हो, लफड़ा कुछ नहीं होएगा, लफड़ा होता ही नहीं यहाँ पे, अपना अपना बाजू से लफड़ा होएगा बस। कैसे आप सही है तो आके क्यों लफड़ा होएगा? बिल्कुल सही है भैया, ये तो मैं भी बोलता हूँ। फाइनली ये पोखरा का लेक साइड मार्केट है दोस्तों, हम घूम के आए हैं। और ये हमारे साथ भैया, भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष भाई के साथ घूम के हैं, बड़ा फीलिंग एकदम बेस्ट हो रहा है। पहले हमें थोड़ा डर लग रहा था, किसी ने बोल दिया ऐसे ऐसे होता है, तो आशीष भाई हमारे साथ आए हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, उन्होंने पूरा मार्केट दिखाया हमें। बड़ा इलेक्शन है उसके लिए बंद है, जैसे काठमांडू में होता वैसे हुआ था। और ये लेक साइड पूरा मार्केट है, और हमारे होटल थोड़ी आगे हैं। सुरेंद्र भाई भी हमारे साथ हैं, और अच्छा लगा। तो यही जो बोल रहे थे लोग, कमेंट कर रहे थे कि पोखरा का मार्केट दिखाओ सर, पोखरे का मार्केट दिखाओ। तो पोखरे का मार्केट यही है, ये पूरा मार्केट पोखरा का है। और ये देख सकते हो मेरे पीछे जो साइड में वो भी लेक साइड पोखरा है। और तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, और जो भी मॉर्निंग में रहेगा हम आपको मॉर्निंग में वापस से दिखाएंगे। अभी तक के लिए यही, गुड नाइट, और जो भी रहेगा। फाइनली अब आ गए हैं रूम पे, तो अब सो रहे हैं। तो पोखरा का जो वीडियो है वो यहीं क्लोज करते हैं, और कल सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय गाइस।